हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर हीरो कॉप्स में। तो जिस चीज का हर एक सुपर हीरो फैन को इंतजार था वो चीज हो चुकी है। 90s में मार्वल बैंकरप्ट हो गई थी, जिस वजह से उसे अपने कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के राइट्स बेचने पड़ गए थे। तो इसमें सोनी के पास आए स्पाइडरमैन और गोस्ट राइडर के राइट्स, लायंस गेट के पास आए मैन थिंग और पनिशर के राइट्स, यूनिवर्सल के पास आए हल्क और नेमर के राइट्स, और आखिर में फॉक्स के पास एक्समैन, डेयरडेविल और फैंटास्टिक फोर के राइट्स। 2009 में डिज्नी ने मार्वल स्टूडियोज को खरीद लिया और कुछ स्टूडियोज अपने कैरेक्टर्स के राइट्स संभाल नहीं पाए और मार्वल के पास धीरे धीरे हल्क, डेयरडेविल, गोस्ट राइडर और बाकी कुछ कैरेक्टर्स के राइट्स आ गए। और मार्वल और सोनी की डील के साथ अब स्पाइडरमैन भी एमसीयू में आ चुका है, पर अब भी कुछ कैरेक्टर्स की कमी खल रही है और ये कैरेक्टर्स हैं एक्समैन और फैंटास्टिक फोर। ये दोनों टीम्स मार्वल यूनिवर्स में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फैंटास्टिक फोर को मार्वल की फर्स्ट सुपर हीरो टीम माना जाता है और फैंटास्टिक फोर ने मार्वल के कुछ क्रॉसओवर इवेंट्स में एक बड़ा रोल प्ले किया है और इस टीम के विलन्स भी बहुत ही खतरनाक हैं। फैंटास्टिक फोर के पास मार्वल का सबसे बड़ा विलन है जो है गैलेक्टस, और दूसरा डॉक्टर डूम जो सबसे ग्रेट विलन में से एक माना जाता है। और अब बात करते हैं एक्समैन की। एक्समैन और अवेंजर्स ये दोनों टीम्स मार्वल कॉमिक्स के दो बड़े पार्ट माने जाते हैं और ये दोनों ही टीम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। स्कारलेट विच और क्विक सिल्वर दोनों ही म्यूटेंट्स हैं, फिर भी ये दोनों अवेंजर्स के मेन मेंबर हैं और मार्वल की कुछ टीम्स अवेंजर्स और एक्समैन के मेंबर्स का मिक्सचर हैं। और 2012 में अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का क्रॉसओवर भी हुआ था, तो इन एग्जांपल से आपको एक्समैन की इम्पोर्टेंस पता चली गई होगी। इन सुपर हीरो टीम्स के बिना भी मार्वल ने एक सक्सेसफुल यूनिवर्स तैयार किया, पर हमें बाकी हीरोज की कमी भी खलती रही। पर आखिरकार मार्वल और डिज्नी के पास इन कैरेक्टर्स के राइट्स आ चुके हैं। फॉक्स और डिज्नी की डील क्लोज हुई 52.4 बिलियन डॉलर्स पर और अब हमें एक्समैन और फैंटास्टिक फोर एमसीयू में दिख सकते हैं। पर फॉक्स के पास फैंटास्टिक फोर के सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं, जिससे फैंटास्टिक फोर को एमसीयू में लाने में गड़बड़ हो सकती है, पर मार्वल और डिज्नी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे। तो आखिरकार हमें एक्समैन और अवेंजर्स एक साथ दिख सकते हैं। तो इन दोनों टीम्स का एपिक टीम अप बड़े पर्दे पर देखने लायक होगा और सुपर हीरो फैंस के लिए ये चीज ड्रीम कम ट्रू होगी। तो हमें वुल्वरिन और कैप्टन अमेरिका या डेडपुल और स्पाइडरमैन जैसे टीम अप भी देखने मिल सकते हैं। तो अगर आप भी एक्समैन को अवेंजर्स के साथ देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और हम आपको मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो में। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।